क्रिएटिविटी या क्रिएटिव थिंकिंग लगभग हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकती है और इसी कारण ये सबसे ज़्यादा काम आने वाली स्किल्स में से एक है। और आज की वीडियो में इसी स्किल पर काम करेंगे और इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि क्रिएटिविटी होती क्या है। और क्रिएटिविटी का मतलब सिंपल भाषा में कहें तो पुराने आइडियाज़ के बीच में नए कनेक्शंस बनाना है। क्रिएटिविटी बढ़ाने में जो फर्स्ट स्टेप आता है वो है गैदर न्यू मटेरियल। अब इसके मतलब की बात कर लेते हैं। हमें जिस काम में क्रिएटिविटी लेकर आनी है उसी से रिलेटेड अलग अलग मटेरियल कंज्यूम करना है। जैसे कि सॉन्ग लिखने में क्रिएटिविटी लानी है तो अलग अलग आर्टिस्ट्स के सॉन्ग सुन के उनकी स्टडी कर सकते हैं। और ऐसा ही हर एक फील्ड में पॉसिबल है। मतलब कि अलग अलग तरह की चीज़ें कंज्यूम करनी है जो कि अपने फील्ड से रिलेटेड है, जिससे सोचने का दायरा बढ़ सके। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है और इस स्टेप में हमारे दिमाग में जो भी अलग अलग आइडियाज है उनको थोड़ा इंटररिलेट करने की कोशिश करते हैं और उन्हें अलग अलग एंगल्स से सोचते हैं। मतलब कि दो या उससे ज़्यादा अलग अलग चीज़ों को मिलाकर एक नया रिजल्ट तैयार करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आता है तीसरा स्टेप। ये जो कुछ भी आप कर रहे थे इसे छोड़कर कुछ ऐसा काम करो जो आपको पसंद है, जो कि किसी के लिए खेलना, किसी के लिए वेब सीरीज देखना, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। और हाँ, ये ध्यान रखना है कि वो चीज़ करने के बाद फीलिंग बढ़िया आनी चाहिए और एनर्जी में एक पंप देखने को मिलना चाहिए। और जिस चीज में क्रिएटिविटी लेकर आनी है उस चीज को इस टाइम के लिए बिल्कुल भूलना है। और ये बिल्कुल भूलने के बाद कुछ टाइम के बाद अपने आप माइंड में कोई ना कोई पॉइंट स्ट्राइक करने लगेंगे। मैं एक सॉन्ग राइटर भी हूं तो मैंने कई बार ये देखा है कि बैठकर कई देर सॉन्ग लिखने के बाद जब लिखना बंद करता हूं और कुछ और चीजें करने लगता हूं तो बढ़िया लाइंस और वर्ड लिखने के लिए ध्यान में आते हैं। तो ये चीज आप पर भी जरूर एप्लीकेबल होगी। आप जिस भी फील्ड में क्रिएटिव बनना चाहते हैं उसी फील्ड में ये सब करने के बाद अपने आइडिया को मार्केट में जाने दो, उसे क्रिटिसिज्म का सामना करने दो और उसे और बेहतर भी करने की कोशिश कर सकते हो। इसके बाद एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि फिफ्थ स्टेप से पहले हो सकता है कि चार स्टेप्स बार बार करने पड़े और उन्हें कंबाइन करके फिफ्थ स्टेप कंप्लीट हो सकता है। उसको थोड़ा अपने हिसाब से रिडिजाइन कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ क्रिएटिव करने की स्किल इम्प्रूव हुई होगी और हुई तो वीडियो को लाइक कर सकते हो जिससे ऐसी और वीडियो आपके सामने रिकमेंड हो और आप अपनी लाइफ में और इम्प्रूव कर सको। इस वीडियो के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग।